हेलो एवरीवन क्लास 12 स्टूडेंट, चलिए आज के वीडियो में अपन इनवर्स फाइंड करने के लिए बेसिक चीजें समझते हैं। पहले अगर आपने किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो उससे पहले बेसिक क्या होना चाहिए आपको आपको जरूर वो देखना, क्योंकि अगर आपको इनवर्स किसी मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगता है उसका पीछे, अगर वो अच्छा होगा तो यहाँ पर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए उसने लिखा मैंने इनवर्स फाइंड करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होगा सबसे पहले एलिमेंट ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो उससे पहले आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन या उनका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन को अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे मैट्रिक्स का। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से हो सकते हैं, तो देखिए मैट्रिक्स जो होता है वो दो चीजों में डिपेंड होता है आपका, किस किस से, एक तो रो से और एक तो रो से और एक कॉलम से, आपका रो और कॉलम दोनों चीजों में डिपेंड होता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन भी दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक रो के ऊपर एक कॉलम के ऊपर। तो जैसे जो ऑपरेशन होंगे दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे, रो के ऊपर भी डिपेंड करेंगे और कॉलम के ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब कैसे वो समझिए, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फर्स्ट हमने रो के लिए बताऊँ ताकि जो रो के होंगे वो उल्टे रो के साथ ही कॉमन कॉलम के हो जाएंगे। तो जो रो का होगा सपोज कीजिए जैसे कोई मैट्रिक्स अपने पास है 1 2 3 4, ऐसे करके मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है जैसे यहाँ पर एक 2x2 ऑर्डर का है, कोई मैट्रिक्स दूसरा ऑर्डर का जो होता है 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट ऑपरेशन हो अगर लगाना है अपने को और अगर उसका इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर मुझे रो से जुड़ा हुआ एलिमेंट ऑपरेशन लगाना हो तो जैसे मैं फर्स्ट लिखता हूँ, अगर मान लो कोई भी रो होगी आर आई में रो, वो चेंज हो सकती है आर जे में, कोई भी रो किसी भी रो से चेंज हो सकती है। सपोज कीजिए जैसे मैंने बोला इसके लिए मैंने बोला कि रो आर वन जो है इंटरचेंज कर रहे हैं अपन आर टू से, ठीक इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों साइड एक पासिंग रोड, तो ये फर्स्ट आर वन ये आर टू। अगर मैंने लिखा कि आर वन रो और आर टू को इंटरचेंज कर रहे हैं यानी क्या हो जाएगा, ये जो रो इंटरचेंज हो जाएगी 3 4 वाले को ऊपर चली जाएगी, 1 2 वाले को नीचे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये इसमें लगाना चाहूंगा इसमें हो जाएगा अगर मैं लिखा कि आर वन रो को मैं आर थ्री से इंटरचेंज करना चाहता हूँ, आर वन को आर थ्री से हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा अगर ऑपरेशन लगाएंगे अपन इसके इक्वल यहाँ, अगर ऑपरेशन लगाऊंगा मैं तो क्या होगा आर वन और आर थ्री मेंटेन करेंगे तो 3 6 ऊपर चला जाएगा, ये 3 6 ऊपर चला गया 2 5 बेसिकली स्कोर क्या हो जाएगा 1 और 4, ठीक। तो आर वन और आर थ्री के इंटरसेक्शन होगी, तो ये हुआ आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेशन रो से। ऐसे कॉलम में हो जाएगा, कॉलम में क्या होगा तो ये इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन हो जाएगा उसके लिए। तो ये तो हुआ फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेशन, आप समझा इसको क्लियर है। ऐसे और बेसिक वाला देखिए इसका अगला, तो रो में अपन किसी भी कॉन्स्टेंट का क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में, अगर आर वन फर्स्ट रो आर वन के उसी रो में अपन किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वापस लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो कि ठीक, अगर अपन ने बोला कि आर वन रो में अपन 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस आर वन रो में कितना मल्टीप्लाई कर 2 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, तो कौन क्या होगा वन में तो 2 2 का उल्टा आर वन होगा तो 4, ठीक। बाकी में कोई इंटरचेंज नहीं होगा तो बाकी से रहेगा, ठीक, क्योंकि अपन को फर्स्ट में लगाया था फर्स्ट में सेकंड में है बस में। तो ये आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। ऐसे अगर थर्ड की बात करूँ मैं, अपन किसी भी रो को या किसी कॉलम को आपस में एड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी से भी सबट्रैक्ट भी कर सकते हो एड भी कर सकते हैं, यानी अगर मैंने बोला कि आर वाई रो जो है आर आई रो में प्लस या माइनस हो जाएगा आर जे, या बोले अगर किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो वो हो जाएगा, ठीक है। यानी सपोज कीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके एक मैट्रिक्स अपने पास, ठीक। अगर हमने बोला कि यहाँ पर इतनी तो रहना, ठीक है, सपोज बोला हमने ऊपर ही होता सुनना है, जैसे इस मैट्रिक्स में अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं कि
कि आर वन रो में मान लो तो आर टू लिखता हूँ, आर टू मान लो मेरे एक आर टू रो लेता हूँ, इस आर टू को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं टू को आर वन रो से, यानी क्या है कि आर टू चेंज किसमें होगा आर टू में, आर टू में क्या चेंज होगा तो आर टू में आर वन का ट्वाइस का करना तो एड करना, अगर इस तरीके से ऑप्शन लगा रहा हूँ तो कैसे आर टू लग रहा था तो स्पष्ट में कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस रहेगा 147। अब आर टू होगा तो आर टू में क्या है आर टू के लिए टू तो एक बड़ी सी और प्लस कितना होगा टू आर वन, आर वन कितना है तो टू प्लस टू टू फोर टू बन जाएगा और बन जाएगा ऐसे, अगर इसकी लग रहा तो फाइव में फोर फोर और टू बनता होगा तो क्या हो जाएगा समझा रहे हो आर टू, अब इसके वापस तो आर टू कितना फाइव है प्लस टू मल्टीप्लाई आर वन और इसे करस्पॉन्डिंग आर वन कितना फोर तो फोर टू जाए एट प्लस फाइव नाइन हो जाएगा, ऐसे अगर इसलिए लगा वापस तो ये ऑप्शन एट और सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन और एट कितना होगा ट्वेंटी फाइव है और ये इसको चेंज होगा थ्री सिक्स और नाइन। तो इस तरीके से अपन किसी रो में कोई भी वैल्यू जो है रो की एड कर सकते हैं किसी पॉइंट के साथ और उसको सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके रो और इससे कॉलम के बन जाएंगे, अगर आप कॉलम की बात करो तो कॉलम में भी क्या बन जाएगा आप कॉलम को कॉलम फर्स्ट को कॉलम किसी भी आई को जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या किसी भी कॉलम में कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है या किसी भी कॉलम को किसी और कॉलम से क्या कर सकते हो सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉलम के साथ में। ठीक, तो ये आपके बेसिक जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए, इन ऑपरेशन के ऊपर ही अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके अगले एक्सरसाइज से उसके क्वेश्चन सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का अगले एक्सरसाइज जो आपको मैट्रिक्स से आएगी उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक था जो हम आज वीडियो देखा, इसी अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझाए इसको, कोई अगर डाउट ना हो तो वो जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।